हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसमें क्या है कि एक वाक्य के लिए एक शब्द ऐसा होता है जिससे पूरे वाक्य का अर्थ निकल आता है। तो ये शब्द कौन कौन से हैं और किस वाक्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें हम सीखेंगे और समझेंगे। यहां पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, तो उन्हें ध्यान से सुनिए और याद कीजिए। तो जैसे है जो सहन करने योग्य न हो, असह्य शब्द है, असह्य जो सहन करने योग्य न हो। दूसरा है जो कभी बूढ़ा न हो, उसके लिए शब्द क्या होगा, अजर, जो कभी बूढ़ा बूढ़ा ही न हो। आपको पता है कि जीवन में तीन अवस्थाएं आती हैं, जब जन्म लेता है और फिर उस समय उसका बचपन होता है, फिर जवानी आती है और फिर वो बूढ़ा होता है। तो यहां पर सेंटेंस है, जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए उसे क्या कहा जाएगा, अजर। जो कभी न मरे यानी अमर, अजर और अमर दोनों अलग अलग शब्द हैं। जैसे जो कभी न मरे वो अमर, जैसे नेहरू, गांधी आदि महापुरुषों के नाम क्या हैं, अमर हैं, वो युग युगांतर तक चलते चले जाएंगे। जो नियम के अनुसार हो, अरे जो नियम के अनुसार हो उसे क्या कहेंगे, नियमित। अब यहां पर दिया है जो नियम के अनुसार न हो उसे क्या कहेंगे, अनियमित। फिर है जिसका आकार हो, कोई ऐसी चीज जिसका आकार है उसे क्या कहेंगे, साकार। और जिसका कोई आकार न हो वो क्या है, निराकार, बिना आकार के। निराकार मीन क्या होता है, बिना आकार के। जिसका अंत न हो, अनंत। फिर है जिसका इलाज न हो सके, असाध्य। और जिसका इलाज हो सके वो क्या है, साध्य। इसके बाद ये तो क्या थे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो ये पूरे सेंटेंस के लिए या अनेक वाक्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है इन्हें। तो एक पूरे सेंटेंस के लिए केवल एक शब्द उसकी जगह में प्रयोग किया जा सकता था। ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द थे। अब हम पढ़ेंगे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द किन्हें कहते हैं, ऐसे शब्द जो सुनने में लिखने में लगभग एक समान होते हैं। इनके क्या है, लिखने से ही ऊपर देखने से ही पता चल रहा, समश्रुत समान लिखे जाने वाले और बोलने वाले कुछ ऐसे शब्द, किंतु जिनके अर्थ में अगर वो शब्द हम पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं में लग रहा है लगभग एक सा है, किंतु उसका अर्थ देखेंगे तो उसमें भिन्नता होती है, अर्थ अलग अलग होते हैं, शब्द एक ही होता है। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं ऐसे शब्द जो शब्द एक से लग रहे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग हैं। जैसे ग्रह, ग्रह माने क्या होता है,
सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह किसे कहते हैं? नक्षत्र को। और इसमें र की मात्रा कैसे लगी है? गौ में सीधी। अब है गृह, ऐसे कृष्ण में भी ये मात्रा लगती है, तो गृह, गृह माने क्या होता है? घर। ये एग्जाम्पल दिए हैं किनके? समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के, जो लगते तो देखने और सुनने लिखने में लगभग एक से लगते हैं, किंतु उन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। यहाँ पर उदाहरण में ग्रह और गृह दो शब्द दिए हैं, हमें लगता है एक सा है, किंतु ग्रह माने क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा आदि नक्षत्र, और गृह माने होता है घर। इन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों के कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। ये शब्द पढ़ने में लिखने में भी लगभग एक से लगते हैं, इनके अलग अलग अर्थ देखते हैं। जैसे पहले में क्रमांक दिया है, दूसरे में युग्म शब्द, युग्म शब्द दो जोड़ा जो लगभग एक से लग रहे हैं, फिर उनका अर्थ दिया है। यहां पर पहले शब्द में दिया है एक में अली, जिसमें लौ में बड़ी की मात्रा है, और दूसरा अली दिया है जिसमें लौ में छोटी ई की मात्रा है। तो अली बड़ी ई की मात्रा वाला और अली पढ़ने में भी सुनने में भी लगभग एक से लग रहे हैं, तो नहीं एक से, एक में बड़ी, एक लौ में बड़ी ई की मात्रा है, दूसरे लौ में छोटी ई की मात्रा है। तो जिस अली में बड़ी ई की मात्रा है उसका अर्थ है सखी, मित्र, सहेली के लिए लिखा है सखी। और दूसरा अली जिसमें छोटी ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है भौरा या हनी बी टाइप का ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा। तो अली माने क्या होता है? भौरा। इसी तरह दूसरे शब्दों को देखते हैं, अणु और अनु। एक जगह अणु शब्द है, णो में उ लगा है, और दूसरे शब्द में अनु में नो में उ की मात्रा है। तो अणु माने हैं पहले वाले शब्द, अणु का मान है कण, छोटे छोटे कण जो होते हैं कण, और अनु शब्द का अर्थ है, ये एक उपसर्ग भी है, अभी आप प्रत्यय उपसर्ग पढ़ेंगे, पिछली कक्षाओं में भी पढ़े थे, जो उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के पहले लगकर उनके अर्थों को बदल देते हैं। तो ये एक उपसर्ग भी है, और अनु माने होता है पीछे, अनुसरण करना जैसे, तो पीछे। फिर अगला शब्द देखते हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा अ लिखा है, उपेक्षा में उ, और पेक्षा पेक्षा लगभग एक से शब्द हैं दोनों, तो इससे ये क्या लग रहे हैं? अपेक्षा उपेक्षा अगर हम इन्हें देखें तो लगभग एक से लग रहे हैं, किंतु अपेक्षा माने होता है इच्छा, में मेरी इच्छा, मतलब मैं किसी अपेक्षा कर रहा हूं, आवश्यकता, और तुलना, उसकी अपेक्षा अगर हम सेंटेंस बनाएं तो ये चीज अच्छी है, तो तुलना भी हो रही है। तो अपेक्षा शब्द का अर्थ क्या है? इच्छा, आवश्यकता, तुलना, तीन अर्थ निकल रहे हैं। फिर है उपेक्षा, उपेक्षा मतलब निरादर, निरादर किसी का आदर न करना, उसका क्या है, अपने से बड़ों का हम कहते हैं हमें आदर करना चाहिए, या वह अपने बच्चों अपने से बड़ों का निरादर करता है। तो इस तरह उपेक्षा माने निरादर। फिर आते हैं हम अशक्त, अशक्त और अशक्त, श और सौ का अंतर है,
तो अशक्त माने है असमर्थ, शक्तिहीन। पहले वाले अशक्त का अर्थ है असमर्थ, किसी काम को करने में असमर्थ और शक्तिहीन। और असक्त माने क्या है? विरक्त। विरक्त इस मतलब किसी चीज से ज्यादा मोह न करना। फिर है अभय और उभय, दो अलग अलग शब्द हैं। तो अभय माने निर्भय, बिना डर के, और उभय माने दोनों। उभय माने क्या? एक नदी के उभयतट, यानी दोनों ओर क्या है? पेड़ लगे हैं। कुछ भी ऐसा अगर हम सेंटेंस बना सकते हैं तो ये क्या है? संश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो दिखने सुनने पढ़ने में लगभग एक से लगते हैं, किंतु इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। फिर है कि एक अर्थ ही प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द एक जैसा अर्थ देने वाले होते हैं, किंतु इनके अर्थों में अंतर होता है। क्या है कि अभी हमने पढ़े थे लगभग एक से दो शब्द लगते हैं जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं, किंतु कुछ शब्द एक जैसा हमें लगता है इनके अर्थ एक ही होंगे, किंतु उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। पहला उदाहरण यहां पर दिया है अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र एक ऐसा हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, और शस्त्र हाथ में पकड़कर प्रयोग किया जाने वाला हथियार, जिसे हाथ में ही पकड़कर हम प्रयोग कर सकते हैं। किंतु अस्त्र क्या है? जो फेंक कर मारा जा सकता है, सामने वाले को फेंक कर मारा जा सकता है, वो होते हैं अस्त्र। और शस्त्र जिनको हाथ में पकड़कर हम प्रयोग करते हैं। फिर है अनुपम और अद्भुत। हमें ये क्या लगता है? ये दोनों शब्दों के अर्थ लगभग एक से ही होंगे, एक ही होंगे, किंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। अनुपम, जिसकी कोई समानता या बराबरी न हो, ऐसा अनुपम सुंदर चीज, वस्तु कोई। और अद्भुत, इसके मीन है आश्चर्यजनक। दोनों के वाक्य अलग अलग, ये दोनों शब्द अलग अलग वाक्यों में प्रयोग होंगे, क्योंकि अद्भुत जहां पर हम कहेंगे ऐसी कोई चीज या वस्तु जो आश्चर्यजनक है या विस्मयकारी है। फिर है अमूल्य, जिसका मूल्य आका न जा सके, जिसका कोई भी मूल्य ऐसा अमूल्य, बहुत कीमती, जिसके मूल्य की कल्पना ही न की जा सके, उसकी गणना ही न की जा सके कि इसके मूल्य क्या हो सकता है, वो ऐसी कीमती चीज। लेकिन एक बहुमूल्य है, जिसका मूल्य तो होगा, बहुत कीमती होगा, लेकिन मूल्य होगा। अमूल्य वो चीज है जिसकी हम मूल्य की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इसकी कीमत हम क्या दें, क्या रखें। फिर है आज्ञा। आज्ञा और आदेश, महसूस हो रहा है कि एक से एक ही अर्थ वाले ये दोनों शब्द हैं, किंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। आज्ञा, बड़ों से प्राप्त की जाने वाली अनुमति, बड़ों का कहना मानना, तो वो क्या है? आज्ञा। बड़ों ने कहा और हमने मान लिया, तो वो क्या है? आज्ञा। अब आदेश, अधिकारी द्वारा, जो भी अधिकारी है वह अपने कर्मचारियों को जो निर्देश देते हैं, जो आदेश देता है, जो उनसे करने को कहता है, वो क्या होते हैं? आदेश। इस तरह हमने एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों के क्या देखे? उदाहरण। अब हम आते हैं समूहवाची शब्दों में। ये समूहवाची शब्द क्या हैं?
ये कहां पर प्रयोग किए जाते हैं और किनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो आए सबसे पहले इनकी परिभाषा देखते हैं। हिंदी में कई समूहवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द हर किसी शब्द के साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते। ये जो शब्द होते हैं हर किसी शब्द के साथ प्रयोग नहीं किए जा सकते, इनके लिए विशेष शब्द ही प्रयोग किए जाते हैं। तो आए इनको समझते हैं, ये कौन कौन से हैं। अब यहां पर क्या है, समूहवाची शब्द दिए हैं और जिनके साथ प्रयोग किए जाता है। ये समूहवाची शब्द क्या है, समूह से समझाई जा रहा है कि ग्रुप, एक ग्रुप होगा, एक समूह होगा किसी भी व्यक्ति चीज वस्तु का, तो ये ही समूह यानी ग्रुप में, अकेला व्यक्ति नहीं है, अकेली वस्तु नहीं है, तो समूह है, उनके कुछ नंबर ऑफ कुछ नंबर हैं, कुछ ज्यादा वो चीजें हैं, एक से ज्यादा चीजें हैं, तो इसीलिए इनको समूहवाची शब्द कहा है। अब कैसे, पहला शब्द है जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गिरोह। गिरोह किनका, डाकुओं का, लुटेरों का। हम कहते हैं डाकुओं का गिरोह आ गया, लुटेरों का गिरोह आ गया। गिरोह शब्द किसके लिए इधर यूज हो रहा है, जो डाकुओं या लुटेरों के लिए। फिर है गड्डी। गड्डी का है चीज के लिए, नोटों की गड्डी, ताश की गड्डी भी हो सकता है, और भी कुछ चीजों की गड्डियां हो सकती हैं। तो फिर है गुच्छा। गुच्छा किस किस चीज का होगा, चाबियों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा। अब गुलदस्ता। गुलदस्ता शब्द किसके लिए यूज किया जा रहा है, फूलों का गुलदस्ता। तो ये समूहवाची शब्द क्या है, किसी विशेष जगह पर, विशेष स्थान पर, विशेष शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पहला देखा हमने गिरोह। गिरोह शब्द हम कहते हैं डाकुओं का गिरोह आ गया, लुटेरों का गिरोह आ गया, और भी कुछ हो सकता है, आप देखें ध्यान से सोचें। गड्डी, यहाँ पर दी है नोटों की गड्डी, गड्डी कुछ और भी हो सकती है। फिर है गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, और भी कुछ गुच्छे हो सकते हैं। फिर है गुलदस्ता, यह क्या होता है, फूलों का गुलदस्ता ही होगा, ये फूलों के लिए ही प्रयोग किया गया है, तो गुलदस्ता। इस तरह हमने देखे समूहवाची शब्द और उनके उदाहरण। अब हम पढ़ते हैं शब्द युग्म। युग्म शब्द का अर्थ है जोड़ा। जोड़ा क्या होता है, दो शब्द जो रिपीट हो रहे हैं तो उनको ही युग्म शब्द। किसी शब्द का दो बार आना या जोड़े में आना शब्द युग्म कहलाता है। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता और एक नयापन आ जाता है। जैसे घर घर कहने का बोध होता है, कहीं पर शब्द यूज किया घर घर, तो उससे क्या पता चलता है, प्रत्येक घर में। शब्द युग्मों के बीच में चिन्ह कौन सा लगता है, योजक चिन्ह, यहाँ ब्रैकेट के अंदर दिखाया भी गया है, यह योजक चिन्ह लगता है। यहाँ पर कुछ शब्द युग्म के उदाहरण दिए हैं, आओ हम देखते हैं। देखिए ये क्या है, युग्म हम पढ़ रहे हैं, शब्द युग्म। युग्म का शब्द का अर्थ है जोड़ा। किसी शब्द का दो बार आना या जोड़े में आना शब्द युग्म कहलाता है। इनके प्रयोग से भाषा में सजीवता और नयापन आता है। जैसे घर घर कहने से बोध होता है, प्रत्येक घर। शब्द युग्मों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है, दो शब्द जब एक से आते हैं तो योजक चिन्ह लगता है। तो कुछ यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं उन्हें हम देखते हैं। ये केवल ये
जो शब्द युग्म है ये क्या होता है, एक ही शब्द दो बार रिपीट एक जगह में कहीं कहीं होता है, तो कहीं पर मिलते जुलते शब्द आपस में रिपीट होते हैं, दोनों यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, कहीं पर विपरीत अर्थ एक दूसरे के विरोध विलोम शब्द भी उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं, कुछ सार्थक और निरर्थक शब्द भी शब्द युग्म के अंदर आते हैं। तो इनको अलग अलग तरीके से कहां कैसे यूज किया है इसके उदाहरण हम देखते हैं। पुनरुक्त स्वर शब्द युग्म, यानी पुनरुक्त माने दोबारा फिर से, जो शब्द युग्म जोड़े यहां पर बने हैं जिनमें एक ही शब्द को दो बार लिखा है, तो उन शब्दों का प्रयोग, उन शब्दों के उदाहरण क्या है, जगह जगह, जैसे हम यूज करें कि जगह आजकल जगह जगह कोरोना का आतंक फैला है, तो ये कोरोना ने क्या जगह जगह आतंक फैलाया है, पास पास मत रहो, साथ साथ मत रहो, पेड़ हरे हरे हो रहे हैं, तो ये क्या है कि एक ही जगह पर दो शब्दों को लिखा गया है, यूज प्रयोग किया गया है, जगह जगह, पास पास, साथ साथ, हरे हरे, किनारे किनारे, खेलते खेलते, खुशी खुशी, कैसे कैसे, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। अगर हम इनका वाक्य प्रयोग करें तो वो वाक्य में ये ऐसे प्रयोग किए जाएंगे। फिर है मिलते जुलते अर्थ वाले युग्म शब्द, ये लगभग एक से लगते हैं, आदर और सत्कार जैसे दिया है दोनों शब्द एक से लग रहे हैं, तो इनको ऐसे प्रयोग किया जाता है, तो ये वाक्य के अनुसार ऐसे भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आदर सत्कार, अर्थ तो एक ही निकल रहा है आदर का भी सत्कार का भी, लेकिन दोनों प्रयोग किए जा रहे हैं। मैं जब मामा से मिलने गया तो उन्होंने मेरा बहुत आदर सत्कार किया, तो ऐसे ही रिश्ते नाते, उलट पुलट, माता पिता, अन्न जल, आस पास, घर द्वार, उछलते कूदते, तो ये शब्द हैं। फिर है विपरीत अर्थ वाले शब्द युग्म, अब यहां पर किसी किसी सेंटेंस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट शब्द होते हैं उनको, लेकिन युग्म शब्द के रूप में वाक्य में प्रयोग किया जाता है। आना जाना, आजकल तो लोगों का आना जाना भी बंद है। आदान प्रदान, सुख दुख, हार जीत, इधर उधर, ठंडा गरम, देश विदेश, दाएं बाएं, ये दोनों शब्द क्या हैं? जैसे आना का जाना क्या है, उल्टा विलोम शब्द है, आदान का प्रदान, सुख का दुख, हार का जीत, तो ये विरोम विपरीत अर्थ देने वाले शब्द भी शब्द युग्म में प्रयोग किए जाते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्दों के मेल से बने शब्द युग्म, अब कुछ शब्द युग्म कैसे हैं, जो सार्थक शब्द और निरर्थक, जिसका कोई निरर्थक आपने पढ़ा, सार्थक शब्द वो है जिसका कोई अर्थ होता है, मीनिंग होती है, लेकिन निरर्थक शब्द जिसका कोई मीनिंग नहीं होती, तो ऐसे है शब्दों के भी युग शब्द युग्म में कहीं कहीं सेंटेंस के बीच में, वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे चाय बाय, हेरा फेरी, अलग थलग, गलत सलत, खाना वाना, नाश्ता वास्ता, आमने सामने, ठीक ठाक, तो चाय तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन इसके साथ वाय एक निरर्थक, जिसका वाय का कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे ही खाना वाना, खाना तो है, वाना क्या है, ऐसे ही हर शब्द है। तो अब क्या करना है, ये क्या है, शब्द युग्म, अच्छा होगा कि अपनी
हिंदी को अच्छा बनाने के लिए आप क्या करेंगे? अभी तक तो कोई ऐसा कॉपी में करने के लिए दिया भी नहीं था, तो आप लोग क्या करना है, जो आज पढ़ाया जा रहा है, तो इनमें क्या करेंगे, शब्द युग्म के इन सब शब्दों को, कितने हैं, एक में चार हैं, दो आठ दस और बारह, टोटल कितने हैं, एक में चार आठ नहीं, हर एक में आठ 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 है, यानी 32 शब्द, 32 शब्द है। तो 32 शब्दों को आपने अपने अपने सेंटेंस में प्रयोग करना है और कॉपी में लिखना है। जहां आप इन पुनरुक्त शब्दों को यूज कर रहे हैं, प्रयोग में कर रहे हैं, उन्हें अंडरलाइन कर देंगे। सेंटेंस बनाए अच्छे से, पहले रफ में बना के देख लें, फिर उनको अपने से देखें कि, या अपने बड़े कोई दीदी भैया कोई हो या मम्मी है, तो मम्मी को समय हो तो आप उनको दिखाएं कि क्या ये करेक्ट हैं। तो इनसे क्या होगा, तुम्हें सेंटेंस बनाने भी आएंगे। ये 32 के 32 शब्द आप अपनी कॉपी में क्या करेंगे, इनके वाक्य प्रयोग, सेंटेंस बना के हर एक लाइन में अलग अलग, जैसे आठ एक जगह पहले बनाए पुनरुक्त शब्दों का वाक्य प्रयोग, फिर बनाए मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द युग्मों का प्रयोग, फिर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द युग्मों का प्रयोग, सार्थक और निरर्थक शब्दों के मेल से बने शब्द युग्म का प्रयोग। ये आपका होमवर्क होगा। ये जो आज हमने पढ़ाया, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, फिर एकार्थी प्रयोग होने प्रतीत होने वाले शब्द और शब्द युग्म, तो ये जो शब्द हैं केवल शब्द युग्म के ही आपको सेंटेंस बनाने हैं। ये आसान भी है, आसानी से बन भी जाएंगे सुंदर हैंडराइटिंग में। आज का यही आपका होमवर्क होगा कि आप इनके सेंटेंस बना लें। और ये बेटा बार बार आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारा होमवर्क ही सुनने को मिल जाएगा कि क्या करना है। केवल आपको शब्द युग्म, ये 32 के 32 शब्दों के वाक्य बनाने हैं। जहां इन शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं उस जगह को अंडरलाइन कर दें।